देश के इन दिनों 2 से 9 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन्य प्राणी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत जिला सोलन में भी वन्य प्राणी विभाग चायल द्वारा शिली के वन में जिला स्तरीय राष्ट्रीय वन्य प्राणी सप्ताह के अंतर्गत पक्षी दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजकीय वरिष्ठ छात्र माध्यमिक पाठशाला सोलन के लगभग 70 छात्रों सहित अध्यापकों ने भी भाग लिया। देश में इन दिनों 2 से 9 अक्टूबर तक राष्ट्रीय वन प्राणी सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत सोलन में वन्य प्राणी विभाग चायल द्वारा शिली के वन में जिला स्तरीय राष्ट्रीय वन प्राणी सप्ताह के अंतर्गत सुबह सुबह पक्षी दौड़ का आयोजन किया गया। इस मौके पर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन के लगभग 70 छात्राओं सहित अध्यापकों ने भाग लिया। इन छात्रों को वन्य प्राणी विभाग चायल के वन खंड अधिकारी गणपत राम वर्मा, वन रक्षक विनोद कुमार और तुलसीराम भूपेंद्र सिंह सहित अन्य कर्मचारियों ने पक्षी के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी मुहैया करवाई। विभाग द्वारा बच्चों को पक्षियों की विभिन्न प्रजाति और उनके प्राकृतिक आवास के साथ विलुप्त होती जा रही प्रजातियों के संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी। वन प्राणी विभाग चायल के वन खंड अधिकारी गणपत राम वर्मा ने बताया कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के साथ साथ सुंदर भी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणी पाए जाते हैं, जिनके संरक्षण के लिए वन्य प्राणी और वन विभाग स्कूलों के विद्यार्थियों एवं लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता रहता है। वर्मा ने बताया कि वन्य प्राणियों के संरक्षण और विलुप्त होती जा रही प्रजातियों को बचाने के लिए लोगों और विद्यार्थियों को जागरूक करने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। हिमाचल प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये सप्ताह मनाया जाता है वन्य प्राणी सप्ताह के रूप में, और हिमाचल प्रदेश में भी ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो बर्ड रेस का जो प्रोग्राम है ये हर जिला में हो रहा है। ये यहाँ से सीनियर सेकेंडरी स्कूल से लेके कालाघाट प्रेस तक हम जाएंगे, बच्चों को ले जाएंगे और वहाँ से वापिस होके यहाँ पे हमारे पेजेंट्स हैं उनके बारे में लोगों को जागरूक करना उसी उद्देश्य से बच्चों में जागरूकता लाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। और ये